और चलिए अब खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई हुक्का बार पर रोक। रेस्टोरेंट और कैफे में हुक्का बार की नहीं मिलेगी अनुमति। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को दिया फैसला लागू कराने का निर्देश। हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक मांगे आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट। एलएलबी छात्र की जनहित याचिका पर कोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक मांगी है आदेश की रिपोर्ट। लॉकडाउन पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। अब शनिवार को प्रदेश में नहीं होंगे लॉकडाउन। प्रदेश में लॉकडाउन सिर्फ रविवार को ही होगा। जेई मेन परीक्षा का आज दूसरा दिन। देश भर में करीब 10 लाख अभ्यर्थी दे रहे हैं परीक्षा। सैनिटाइजेशन का रखा गया पूरा ध्यान। एक सितंबर से शुरू हुई जेई मेन नीट और एनटीए की परीक्षा के लिए रेलवे की ओर से स्पेशल मेमू और डेमू ट्रेन चलाई जाएंगी। दानापुर रेल मंडल समेत पूरे पूर्व मध्य रेल में कुल 20 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। 15 सितंबर तक नीट जेई छात्रों के लिए विशेष ट्रेन चलाएं। अयोध्या में राम मंदिर के नक्शे को लेकर बुधवार को अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की एक अहम बैठक आज होने जा रही है। इस बैठक में 10 से ज्यादा विभाग शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक में रामलला का नक्शा पास हो सकता है और अब मंदिर निर्माण कार्य तेज गति से शुरू हो जाएगा। मंदिर के नक्शे में एनओसी भी प्राप्त हो सकती है। अयोध्या में रामलला के दरबार में अखंड ज्योति जलाने के लिए पटना महावीर मंदिर न्यास ने कर्नाटक से 75 टीन यानी 1125 किलो गाय का देसी घी रामलला को दान किया है। बीजेपी विधायक पंकज सिंह कोरोना संक्रमित। ट्वीट कर दी जानकारी। कहा पिछले दिनों संपर्क में आए लोग आइसोलेट होकर जांच कराए। कानून व्यवस्था को लेकर मायावती का ट्वीट। दलितों पर अत्याचार की घटनाएं चिंता की बात। रायबरेली में पुलिस बर्बरता में दलित युवक की मौत। आगरा में 3 दलित की हत्या अति दुखद। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी धाराओं में हो कार्रवाई। वाराणसी के जैतपुरा थाने में अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लॉकडाउन उल्लंघन और महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया। अजय लल्लू सहित 10 नामजद 100 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हुआ। विकास दुबे के गुर्गों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। खजांची जय वाजपेयी की 37 करोड़ की संपत्ति होगी कुर। कानपुर के अलग अलग इलाकों के 12 मकान और प्लॉट होंगे कुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कपिल खान पर लगे एनएसए हटाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि कपिल को तत्काल रिहा किया जाए। डॉक्टर कपिल खान पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। कहा हाईकोर्ट ने डॉक्टर कपिल के ऊपर से रासुका हटाई। उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। आशा है यूपी सरकार डॉक्टर कपिल को रिहा करेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चल रहे एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए डॉक्टर कपिल को रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, जिस पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने हाईकोर्ट को धन्यवाद करते हुए खुशी जाहिर की। ग्रेटर नोएडा में एक बेटे को अपने पिता से कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए पैसे मांगना महंगा पड़ गया। आरोपी पिता ने अपने भाई और अन्य साथियों के साथ मिलकर बेटे को बेरहमी से पीटा, जिसमें बेटा बुरी तरह से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बेटा अपनी मां के साथ अपने पिता से अलग रहता है। बेटे ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शामली में पलायन के मुद्दे पर राजनीति चरम पर पहुंच गई है, जिसके चलते सदर कोतवाली क्षेत्र का गांव हसनपुर सुर्खियों में है। दरअसल 24 अगस्त को सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव हसनपुर में हुए जाटों और ब्राह्मणों के झगड़े ने पलायन का रूप ले लिया, जिसमें अब राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति के चलते जनपद शामली में कांग्रेस पार्टी के 5 सदस्यों का एक डेलीगेशन आने वाला था, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम को गाजियाबाद ही रोक लिया गया। वहीं मथुरा से पूर्व एमएलए प्रदीप माथुर अपने अन्य सदस्य के साथ शामली पहुंचे थे, जहां पर पुलिस ने उन्हें लाख पोस्ट चेक पोस्ट पर ही रोक लिया। नोएडा की जेपी
कॉस्मोस सोसाइटी की 10वीं मंजिल से गिरकर युवती की संदिग्ध मौत। 23 वर्षीय युवती की जन्मदिन के दिन ही मौत। अपनी दीदी और जीजा के घर आई थी जन्मदिन मनाने। गाजीपुर में इंडिया न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। दिलदार नगर गांव में एक फल विक्रेता की पुलिस द्वारा पिटाई के मामले में एसपी ने एक एएसआई और 3 कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। घोड़ा में सामने आई खाकी की दादागिरी। गालीबाज दारोगा का वीडियो हुआ वायरल। दारोगा ने बिक्री के लिए रखे अंडों को फेंका। दुकानदार को भी दारोगा ने जमकर दी गालियां। हापुड़ के मारवाड़ इंटर कॉलेज में चल रहे उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक चुनाव के दौरान पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी प्रत्याशी समर्थकों ने जमकर हंगामा खाटा और जमकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर मौजूद एसपी संजीव सुमन को गुस्सा आ गया और एक युवक को पकड़कर एसपी ने थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद लगे हाथ वहां मौजूद होलाना थानाध्यक्ष ने युवक की पिटाई कर दी और 2 युवकों को हिरासत में भी ले लिया। इसके बाद अन्य समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। काफी समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हुआ। गाजीपुर में मां बेटे पर शख्स की पीट पीट कर हत्या का आरोप। शख्स की हत्या कर शव को नहर के पास फेंका। घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे मां बेटे। पुलिस ने आरोपी मां बेटे को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में इंसानियत शर्मसार। मानसिक विक्षिप्त महिला की आबरू से खिलवाड़। गर्भवती विक्षिप्त ने बच्चे को दिया जन्म। महिला का नहीं है कोई वायरस। प्रतापगढ़ में दबंगों ने हाथ में लिया कानून। डेटा एक्सपर्ट प्रगर्ज के मालिक ने की दबंगई। जमीनी विवाद में पड़ोसी को जमकर पीटा। पिटाई का लाइव वीडियो हुआ कैमरे में कैद। सोशल मीडिया में वायरल हुआ पिटाई का वीडियो। डेटा टावर सिविल लाइन का मालिक है आफ्ताब अहमद। दर्जनों गुंडों के साथ आकर की पड़ोसी की पिटाई। घोड़ना में बेखौफ बदमाशों ने युवक को मारी गोली। मामूली कहासुनी में गोली मारकर बदमाश फरार। युवक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कौशाम्बी में डबल मर्डर से लोग दहल गए। पैसे के लेनदेन में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले जिसमें एक आशा वर्कर और अधेड़ की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक पक्ष से 5 और दूसरे पक्ष से 4 लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। एक पक्ष से 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बुलंदशहर में तार चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 शातिरों को किया गिरफ्तार। टाटा मैजिक, 2 बाइक, भारी मात्रा में विद्युत तार बरामद। अवैध असलाह और कारतूस भी बरामद। महाराजगंज में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। 2 महिलाएं, 2 युवतियां और 3 युवक पकड़े गए। पुलिस ने सभी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। जांच में कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद। पीलीभीत में बेकाबू ट्रक ने महिला को कुचला। हादसे में महिला की मौके पर मौत। ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के सियाने पुलिस ने एक सनकी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने कई महिलाओं और युवतियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक आरोपी कार्तिक के स्थानीय युवतियों और महिलाओं के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर होती थी। गाजियाबाद में सीए की मौत मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने इंद्रापुरम में सीए को गाड़ी से मारी थी टक्कर। गाड़ी की टक्कर से हुई थी सीए की मौत। घटना के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हुए थे आरोपी। जौनपुर के सरपंथा थाना क्षेत्र के स्वीथा कला में किन्नर बनकर पैसे मांगना 2 युवकों को उस समय भारी पड़ गया जब असली किन्नरों ने उन्हें पकड़ लिया। किन्नरों ने दोनों युवकों की पिटाई कर गांव वालों के बीच उनका सिर भी मुड़ पाया। गोंडा के तरफगंज तहसील में घाघरा नदी खतरे के निशान से जैसे जैसे नीचे जा रही है वैसे वैसे कटान तेज हो गया है जिसकी वजह से अब घाघरा नदी किनारे सैकड़ों बीघा फसल नदी में समाहित हो रही है। केवटाही सहित एली परसौली के आधे दर्जन से ज्यादा गांव नदी में धारा में विलीन हो गए हैं। घाघरा के कटान के कारण आसपास के ग्रामीण गांव को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं। कुछ लोग बंधों पर भी शरण ले लिए हैं। आगरा में ट्रिपल मर्डर के आरोपियों का एनकाउंटर। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल। सुभाष और वकील नाम के 2 बदमाश घायल। मुठभेड़ में एक सिपाही भी हुआ घायल। रुपए वापस न करने पर की थी हत्या।
मुरादाबाद के बेलारी कोतवाली में तैनात रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर निलंबित। आरोपी पक्ष से 10,000 रुपए लेने का आरोप। सब इंस्पेक्टर प्रेम शंकर को एसएसपी ने किया निलंबित। रिश्वत लेने का वीडियो हुआ था वायरल। सीओ बेलारी की जांच के बाद हुई कार्रवाई। मथुरा के थाना जमुना पार इलाके में 8 साल की किशोरी की रेप के बाद हत्या। एक दिन से गायब थी किशोरी। किशोरी का शव मिलने से सनसनी। गोंडा में नदी में 5 बच्चे डूबे। खेलते समय नदी में डूबे बच्चे। एक बच्चे की पानी में डूबकर मौत। 4 बच्चों को स्थानीय युवकों ने बचाया। बुलंदशहर में कोर्ट में जेब कतरे की पिटाई। लोगों ने जेब काटते रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने कोर्ट से जेब कतरे को हिरासत में लिया। कासगंज में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। मृतकों की अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज में सहकारी भूमि विकास बैंक चुनाव में बवाल। सपा कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं में पथराव। ठटिया थाना प्रभारी एक पत्रकार घायल। सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। विकास बैंक के अध्यक्ष पद का चल रहा चुनाव। नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर अब चेकिंग नहीं होगी। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के बाद दिखा असर। आने जाने के लिए पास की जरूरत नहीं। ग्रेटर नोएडा में टैक्सी चालक हड़ताल पर है। बैंक द्वारा लगातार ईएमआई जमा कराने का दबाव बनाने को लेकर दर्जनों टैक्सी चालकों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। चालकों की सरकार से मांगे कि दिसंबर 30 तक ईएमआई में छूट दी जाए। इसलिए चालकों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उनकी माने तो बैंक और आरटीओ टैक्सी ईएमआई के नाम पर नोटिस भेजकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। कुछ टैक्सी चालकों की तो ईएमआई न जमा होने पर उनकी टैक्सी की रिकवरी भी हो गई है। इसलिए टैक्सी चालक आक्रोश में है। भदोही के औराई ब्लॉक में पीएम किसान सम्मान निधि में धन उगाही। फॉर्म जमा कराने के नाम पर धन उगाही 200 रुपए प्रति फॉर्म मांगा जा रहा। कर्मचारी अशोक तिवारी ने औराई ब्लॉक के टीएसी पर लगाए आरोप। लखीमपुर खीरी में नदियों के बढ़ते जलस्तर से लोग परेशान हैं। धौरहरा तहसील के 4 घर नदी में समा गए। बारिश के पानी में बहकर आए मगरमच्छ और सांप। वन विभाग ने मगरमच्छ को नदी में छोड़ा। पितृपक्ष की हो गई है शुरुआत। हरिद्वार में अगले 15 दिन पितरों का तर्पण। नारायण शिला मंदिर में धार्मिक धर्म कर्मकांड। मसूरी गोलीकांड की आज 26वीं बरसी। शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। राजनीतिक और सामाजिक संगठन देंगे श्रद्धांजलि। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने एक बार फिर राज्य सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सरकारी सिस्टम के फेल होने से राज्य की ब्यूरोक्रेसी निरंकुश हो चुकी है। ब्यूरोक्रेसी के निरंकुश होने से जनता की जो समस्याएं लंबित पड़ी हुई हैं उनका समाधान अतिशीघ्र नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा यह बात तो तय है कि जब बीजेपी सरकार के विधायक इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो उसे यह मालूम पड़ता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लालकुआ के संजय नगर बजरी कंपनी हाथीखाना आदि क्षेत्रों में आए दिन हो रही पेयजल की किल्लत से नाराज स्थानीय निवासियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन दिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इन क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की जाए अन्यथा कांग्रेस कार्यकर्ता क्षेत्र की जनता के साथ आंदोलन करने को बाध्य होंगे। भाजपुर में लॉकडाउन में बंद दुकानों का आया बिजली बिल। ज्यादा बिल आने से व्यापारियों में रोष। बिजली बिल में रियायत देने की उठाई मांग। बिजली विभाग के अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 6 महीने से भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। श्रद्धालुओं के चेहरे पर काफी निराशा भी देखने को मिलती थी। भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर के कपाट अब खोल दिए गए हैं। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने का अनुरोध मंदिर समिति द्वारा किया जा रहा है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हुए मास्क लगाकर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान शिव के दर्शन कर पुण्य के भागी बने। मसूरी देहरादून मार्ग पर देखने को मिला भूस्खलन। पिछले 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब से बंद है मसूरी देहरादून मार्ग।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते देहरादून में डॉक्टरों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने अगले 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए काली पट्टी बांधकर काम करना शुरू किया। मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद स्वास्थ्य महानिदेशक महोदया डॉक्टर अमिता उप्रेती ने प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल से बात की। मांगों पर पूर्ण सहमति न बनने से नाराज डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी से गुरुवार को डॉक्टर्स की मुलाकात भी होगी। हरिद्वार में अतिक्रमण मामले में मायावती का ट्वीट। मायावती ने कहा कि रविदास जी का मंदिर तोड़ने की कार्रवाई अति निंदनीय है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर मंदिर तोड़ने की कार्रवाई अति निंदनीय है। काशीपुर में 11 दिन पहले हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का इलाज के दौरान एक निजी हॉस्पिटल में मौत हो गई है। परिजन अस्पताल प्रशासन पर और डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि ग्राम कुंडेश्वरी दोहरी वकील निवासी बलजीत सिंह पुत्र सूरत सिंह ने कोतवाली में बाइक चालक के खिलाफ और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए तहरीर सौंपकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। पूरे मामले की जांच में पुलिस फिलहाल जुट गई है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 36,91,000 के पार। पिछले 24 घंटे में भी कोरोना के केस में हुआ इजाफा। देश में कोरोना से अब तक 28,37,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 65,434 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 20,398 मरीज। प्रदेश में 6,042 एक्टिव केस। 14,012 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। 280 लोगों से ज्यादा की मौत। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर मंगलवार को खेले गए तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 5 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 185 रन ही बना सकी। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने अंदाज और अपने काम से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुशांत सिंह राजपूत की एक और खासियत से हाल ही में उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पर्दा उठा दिया। सुशांत सिंह राजपूत दोनों हाथों से मिरर राइटिंग भी कर लेते थे और इससे जुड़ा श्वेता सिंह कीर्ति ने एक वीडियो भी साझा किया जो लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। नेहा कक्कड़ का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो टेबल पर चढ़कर डायमंड द छल्ला सॉन्ग पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती हुई दिख रही हैं। टीवी एक्टर गौरव चोपड़ा के पिता का निधन हो गया है। गौरव ने इसकी जानकारी खुद इंस्टाग्राम पर दी है। गौरव ने पिता की फोटो शेयर कर लिखा, श्री स्वतंत्र चोपड़ा मेरे हीरो, मेरे आइडियल, मेरी प्रेरणा। मेरी मां ने हमें 19 तारीख को अलविदा कहा और पिता ने 29 तारीख को 10 दिन में वो दोनों चले गए। एक खालीपन जिंदगी में आ गया है जो कभी नहीं भरने वाला। साथ निभाना साथिया 2 जल्द फैंस को एंटरटेन करने वाला है। शो का फर्स्ट प्रोमो आउट हो गया है। साथ ही ये भी कंफर्म हो गया है कि सीरियल में मेन लीड कौन करेगा। एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ही शो में मेन लीड में होंगी। ऐसी ऐसी चीजें करती हैं कि कभी तो मुझे एकदम सरप्राइज्ड कर देगी और कब। डिस्कवरी के रोमांचक शो इंटू द वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। अक्षय ने बियर ग्रिल्स के साथ जंगल के खतरों का सामना करते हुए शो का ट्रेलर भी शेयर किया है। इंटू द वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स डिस्कवरी पर 11 सितंबर को प्रीमियर किया जाएगा। इसके अलावा 14 सितंबर को ये शो दोबारा देखने को मिलेगा। सुशांत केस में रिया से पिछले 4 दिन से 35 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। सोमवार को रिया से 9 घंटे पूछताछ हुई। बताया जा रहा है 4th दिन रिया से सीबीआई ने ड्रग्स को लेकर सवाल किए जिसका वो सही से जवाब नहीं दे पाई है। सोमवार को सीबीआई ने रिया समेत 8 लोगों से पूछताछ की थी। वहीं ईडी की ड्रग्स मामले में पूछताछ जारी है। एक्ट्रेस यामी गौतम दिलजीत दोसांझ के साथ एक यूनिक कंटेंट पर बनने जा रही फिल्म में साथ काम करती हुई नजर आएंगी। मेल प्रेगनेंसी पर बनने जा रही इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ यामी गौतम रोमांस करते हुए नजर आएंगे। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बॉलीवुड में यूनिक कंटेंट पर काम शुरू हुआ है, ये फिल्म भी उसी तरह तैयार की जा रही है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपने अंदाज के लिए खूब जानी जाती हैं। शिल्पा शेट्टी के स्टाइल से लेकर उनका लुक फैंस को खूब पसंद भी आता है। शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। बॉलीवुड की स्टाइलिश एक्ट्रेस में से एक जरीन खान इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। एक्ट्रेस अक्सर अपनी फोटो और वीडियो साझा कर फैंस के साथ जुड़ी रहती है। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ दिवंगत पॉप स्टार माइकल जैक्सन की बहुत बड़ी फैन है। वो उनकी तरह कई मौकों पर डांस भी करते हैं। 29 अगस्त को माइकल जैक्सन का 62वां बर्थडे था। टाइगर श्रॉफ ने एक डांस वीडियो शेयर किया है और उन्हें ट्रिब्यूट किया है। वीडियो में टाइगर श्रॉफ बेहतरीन डांस कर सबका ध्यान खींच रहे हैं।